अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से दी गई चुनौतियों के बाद सुर्खियों में आए बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हिंदू होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि मौलवियों और पादरियों पर कभी सवाल क्यों नहीं उठाए जाते हैं। इन दिनों छत्तीसगढ़ के रायपुर में दरबार लगा रहे धीरेन्द्र शास्त्री विवादों पर सवाल उठाते हुए रो पड़े। आंखों में आंसू लिए शास्त्री ने कहा कि सिर्फ सनातनी होने की वजह से ही उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने शुक्रवार को रायपुर में अपने भक्तों के सामने विवाद पर अपनी बात रखी। आंखों में आंसू लिए भावुक धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, सनातन को कब तक टारगेट बनाओगे? कब तक हमारे जैसे भोले लोगों को परेशान करोगे? क्या बिगाड़ा है हमने? सिर्फ यही बिगाड़ा है ना कि हम सनातनी हैं। कभी तुमने मौलवियों को नहीं बोला, कभी तुमने पादरियों को नहीं बोला। हमारा ही एक गुनाह है कि हम सनातनी हिंदू हैं, इसलिए हमारी परीक्षा बार बार ली जाती है। कितनी बार लोगे, कितनी बार हमें एक्सपोज करोगे?